भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में एक तरफा मुकाबले में हारकर बाहर हो गई। इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया के खिलाफ 10 विकेट की आसान जीत दर्ज की। टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की किस्मत नहीं बदली। टीम इंडिया की कप्तानी बदली, लेकिन विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक टीम की कहानी वही रही। पिछली बार भी भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय टीम पिछली बार आईसीसी टी20 विश्व कप में विराट कोहली की कप्तानी में खिताब जीतने का सपना लेकर पहुंची थी। बड़े बड़े दावे, रवि शास्त्री की कोचिंग और विराट कोहली की आखिरी कप्तानी में विश्व कप की जीत का भरोसा जताया गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट के विश्व कप में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। भारत को ना सिर्फ हार मिली थी बल्कि 10 विकेट की शर्मनाक हार मिली थी, मतलब भारतीय गेंदबाज एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाए। विराट कोहली पर पाकिस्तान से हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बनने का कलंक लगा। आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम नए कप्तान और नए कोच के साथ खेलने पहुंची। रोहित शर्मा, जिनके खाते में बीसीसीआई की घरेलू लीग इंडियन प्रीमियर लीग की 5 ट्रॉफी है। राहुल द्रविड़, जिन्होंने अंडर 19 टीम को विश्व चैंपियन बनाया। दोनों साथ आए और भारत को 15 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना दिखाया। सेमीफाइनल तक टीम पहुंची, लेकिन यहां इंग्लैंड के खिलाफ हारकर अधूरा सपना लेकर वापस लौटने पर मजबूर हुई। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले टी20 विश्व कप में 10 विकेट की हार झेली थी। टीम इंडिया की गेंदबाजी को सबसे ताकतवर बताया जा रहा था, लेकिन अहम मुकाबले में टीम पाकिस्तान के खिलाफ एक भी विकेट नहीं ले पाई। अब एक साल में कप्तान तो बदला, लेकिन कहानी नहीं बदली। इंग्लैंड के खिलाफ टीम सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में खेलने उतरी थी, इस बार भी गेंदबाजी को मजबूत पक्ष बताया गया, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ एक विकेट भी टीम नहीं निकाल पाई।